हाँ जी, तो अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक, दैट इज़ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का अगर हम टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो इसका टोटल ड्यूरेशन है 1740 से 48 तक। अगर यूरोप पूरे कार्नेटिक वॉर्स की बात करते हैं तो 1740 से 48 तक। और ये वॉर किसके बीच में हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे। और इसी को हम बोलते थे एंग्लो फ्रेंच। इसी को क्या बोलते हैं, एंग्लो फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच वॉर। कार्नेटिक वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, सब एक ही बात है। अब सबसे पहली बात, ये वॉर जो होता है बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, हमने फ्रेंच का नाम आ ही रहा है, अब तो किसके बीच में होता है, ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में। अब इस वॉर का टेन्योर इंडिया में क्या है, इंडिया में इस वॉर का टेन्योर है 1746 से 48 तक, ठीक है। कार्नेटिक रीजन है कहाँ, नाम से लग रहा होगा कर्नाटका साइड में होगा, लेकिन बेसिकली कहाँ पे है, ये तमिलनाडु की तरफ है, कोरोमंडल कोस्ट के पास में, या हम कह सकते हैं जो हमारा आंध्र प्रदेश का सदर्न टिप है। आंध्र प्रदेश अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश का जो सदर्न रीजन है वहाँ पर ये लोकेटेड है। कहाँ पे, कार्नेटिक रीजन, वहाँ पर लोकेटेड है। नवाब ऑफ कार्नेटिक, कार्नेटिक के नवाब कौन है, बेसिकली अनवरुद्दीन। वहाँ के नवाब कौन है, अनवरुद्दीन, ये ध्यान रखते हुए चलेंगे हम, नवाब ऑफ कार्नेटिक। फ्रेंच गवर्नर जनरल कौन है, ड्यूप्लेक्स, फ्रेंच गवर्नर जनरल, ठीक, क्योंकि फ्रेंच थी उस समय भारत में, तो फ्रेंच के गवर्नर जनरल कौन है, ड्यूप्लेक्स। और गवर्नर जनरल ऑफ मॉरिशस, ये भी फ्रेंच के थे, इनका नाम क्या है, लॉ बॉर्डनिस, ये दो फ्रेंच के थे बेसिकली। कैपिटल ऑफ कार्नेटिक ये है आपकी आरकॉट में, तो इसीलिए अनवरुद्दीन को हम क्या बोलते थे, नवाब ऑफ आरकॉट भी, ये ध्यान रखने वाली बात है, नवाब ऑफ आरकॉट या हम कह सकते हैं नवाब ऑफ कार्नेटिक, सब एक ही बात है। अब ये लड़ाई क्यों होती है, ऐसा क्या होता है कि लड़ाई हो जाती है, इतना बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, ये डिस्प्यूट होता है ड्यू टू ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। इस लाइन का मतलब क्या, इतनी भारी लाइन लिखी हुई है ये, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन बेसिकली क्या है कि ऑस्ट्रिया का जो राजा होता है चार्ल्स सिक्स्थ, वो मर जाता है, और फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ये चाहते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ थ्रोन पर बैठें। इस वजह से ये वॉर स्टार्ट होता है कहाँ पे, यूरोप में। कब होता है स्टार्ट, 1740 में, हमने पहले भी देखा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का टाइम क्या है, 1740। अच्छी बात है। द वॉर बिगेन विद द ब्रिटिश फ्लीट अराइव्ड ऑन कोरोमंडल कोस्ट कैप्चरिंग द फ्रेंच शिप्स। वॉर कब स्टार्ट होता है, जब ब्रिटिश की फ्लीट्स, मतलब ब्रिटिश की शिप्स कहाँ आ जाती हैं, कोरोमंडल कोस्ट में, और कैप्चर किसे कर लेती हैं, फ्रेंच शिप्स को। स्टार्टिंग हमेशा ब्रिटिशर्स करते हैं इसमें। द वॉर बिगेन विद द ब्रिटिश फ्लीट और कैप्चर किसे कर लेते हैं, फ्रेंच शिप्स को। अब देखिए क्या होता है उसके बाद, जो ड्यूप्लेक्स होता है इसमें, ड्यूप्लेक्स कौन, हमने पहले पढ़ा था, फ्रेंच गवर्नर जनरल इंडिया में। ड्यूप्लेक्स रिक्वेस्ट किससे करता है, अनवरुद्दीन से। अनवरुद्दीन कौन है, हमारे नवाब ऑफ कार्नेटिक, कि भाई हमारी मदद कर दो ब्रिटिशर से बचाने में। बट नवाब डिड नॉट रेस्पॉन्ड एंड रिफ्यूज टू हेल्प ड्यूप्लेक्स। नवाब मना कर देता है, नवाब रिफ्यूज, नवाब क्या करता है, मना करता है, कहता है रिफ्यूज, नहीं कर सकते भाई हम आपकी मदद। अब ड्यूप्लेक्स इससे कहता है, ड्यूप्लेक्स कहता है ला बॉर्डनिस से। ला बॉर्डनिस कहाँ के गवर्नर जनरल है, हमने बताया था फ्रेंच गवर्नर जनरल है, जो कि कहाँ पे है, लोकेटेड है मॉरिशस में। भाई फ्रेंच फ्रेंच की मदद करेगा, वहाँ से फोर्सेस आती हैं, अनवरुद्दीन ने मना कर दिया तो वहाँ से फोर्सेस आती हैं और फ्रेंच हरा देती है ब्रिटिशर्स को और मद्रास पे कैप्चर कर लेती है। बहुत अच्छी बात है, ये फ्रेंच ब्रिटिशर्स को हरा देती है, ठीक है। टू रिकैप्चर मद्रास, मद्रास को रिकैप्चर करने के लिए फ्रॉम फ्रेंच, अनवरुद्दीन सेंड ट्रूप्स टू फोर्ट सेंट जॉर्ज, बट नवाब डिफीटेड बाय दी फ्रेंच। अब जो अनवरुद्दीन होते हैं वो ब्रिटिशर्स के एक तरीके से सपोर्टर होते हैं, वहाँ किसी के सपोर्टर नहीं है लेकिन यहाँ ब्रिटिश की मदद कर रहे होते हैं, और वो मद्रास को रिकैप्चर कराने के लिए फ्रेंच से अपनी फोर्सेस भेजते हैं, बट वो क्या होते हैं, हार जाते हैं, बट नवाब डिफीटेड बाय दी फ्रेंच। यहाँ नवाब भाई साहब जो अनवरुद्दीन थे वो हार जाते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और भी है कि यहाँ पे एक डिस्प्यूट होता है छोटा सा,
जो कि डिस्प्यूट हो जाता है ला बॉर्डनिस और ड्यूप्लेक्स के बीच में। ये ड्यूप्लेक्स, अब इसमें क्या होता है, दोबारा से एक बैटल होती है जिसमें ब्रिटिशर जीत जाते हैं, इस तरीके से चलता रहता है। और फाइनली एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल, इम्पॉर्टेंट है, कब होती है, 1748 में। और कहाँ साइन होती है, यूरोप में। देखो आग लगी है यूरोप में, उसका धुआं यहाँ तक आया है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो एंग्लो फ्रेंच वॉर है या कार्नेटिक वॉर है, ये इसी वजह से स्टार्ट होता है क्योंकि ड्यू टू ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन इन यूरोप, ये हमें ध्यान रखना है। और ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल साइंड होती है यूरोप में अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, बहुत सारी कंडीशंस है बट इम्पॉर्टेंट है, मद्रास वॉज रीस्टोर टू ब्रिटिशर्स। मद्रास फिर से किसके पास चला जाता है, ब्रिटिशर्स के पास। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे जो UPSC या फिर सिविल सर्विस प्रीलिम्स लेवल पे, और वैसे भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं आपके उसमें इतना मोर देन इनफ है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के लिए। IAS मेंस की तो अलग से वीडियो बनेगी, उसमें हम बहुत सारी डिटेल में देखेंगे इन पॉइंट्स को। और इसमें कुछ ट्रीटीज़ होती हैं जो फ्रेंच को भी मिलती हैं, इंडिया में नहीं बाहर। तो मद्रास फाइनली इतनी लड़ाई के बाद जो इन्होंने जीता था वो फिर से किसके पास चला जाता है, और फिर से चला जाता है हमारा ब्रिटिशर्स के हाथ में। और इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है ये यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, दैट इज़ सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर की। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।